नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त विधानसभा के चुनाव को लेकर के कुछ सरगर्मी भी नहीं बढ़ी है, लेकिन जो महागठबंधन के कुछ दल हैं वो अलग से मीटिंग कर रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से, जितेंद्र मांझी हो, मुकेश सहनी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों ही गुपचुप तरीके से मीटिंग कर रहे हैं। तस्वीरें वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार जीतेंद्र मांझी क्या है बता देंगे मुकेश जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी। अरे कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं होती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी कोई राजनीति करने का पक्ष नाराज है तब तो। अरे भैया राजनीति करने का पक्ष है क्या अभी? है आरजेडी से फिर बात हुई, अभी कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है। अभी जनता जो परेशान है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, आप ही लोग कहिए कि सोच फिर को। अरे हटाइए इसको यहां से, हटाइए, महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बिना ही मीटिंग चल रही थी। इस वक्त मुकेश सहनी जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, ये संयोग तो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आप लोग मिल चुके हैं। पहले शरद यादव भी रहा करते थे, लेकिन अब आप हैं, मांझी जी हैं और कुशवाहा जी हैं, तो इसे क्या कहें? देखिए, हम लोग थोड़ा लॉकडाउन में थोड़ा ढिलाई जैसे दिया गया, ऑफिस वगैरह सब खोलने का दिया गया, तो हम लोग आए हैं और हम लोग एक साथ में बैठे हैं। और बिहार में अभी हमारा एक ही फोकस है, चुनाव से हटकर, कि बिहार में जो सरकार जो काम नहीं कर पा रही है, सरकार को आईना दिखाने का। जिस तरीके से प्रवासी मजदूर बड़े संख्या में प्रदेश में लौट रहे, अपने घर में अपने बच्चे के पास आ रहे हैं, उनको सही से रहने के लिए खाना पीने का सरकार व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा फोकस आज की तारीख में हमारी वो है कि सरकार इस पर ध्यान दे। फोकस तो है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस से फोकस हटा हुआ है आपका? नहीं नहीं नहीं, आरजेडी और कांग्रेस है वो उनकी अपनी राजनेता। देखिए, हम तो अपनी वीआईपी पार्टी की बात करेंगे, तो फिर अभी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, रालोसपा है, ठीक है, इनसे हमारे है बात हुआ, वो हम लोग इजिली मिल गए। और आपको भी मालूम है तेजस्वी जी होम क्वारंटाइन है, तो वो नहीं आ पा सकते थे, और हमें मदन मोहन जी के बारे में नहीं जानकारी था। तो राजनीति जिस रोज समय होगा राजनीति करने का, उस समय में किया जाएगा, जब भी चुनाव आयोग के तरफ से हरी झंडी दिया जाएगा। एक साथ तो रहेंगे, हाँ निश्चित तौर पे एक साथ रहेंगे, और किसी को माइनस करके अभी कोई विचार नहीं हो रहा। अभी तो हम लोग सिर्फ बिहार में सरकार जिस तरीके से फेलियर है, उसको आईना दिखाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। सरकार कैसे भी प्रवासी मजदूर को खाना पीना सही से उसको रखे, उसके लिए हम लोग अभी पहले सरकार से लड़ना चाहते हैं। देखिए, सरकार से लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस लड़ाई में बार बार पता नहीं क्यों कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, वो दिख नहीं रही है। ये अलग बात है कि कह रहे हैं महागठबंधन के साथी हैं। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। हटाइए इसको यहाँ से, हटाइए, हटाइए ना आपका।